कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर में मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव ने कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। लगातार वैश्विक महामारी कोविड 19 बढ़ ही रही है और इसी के चलते संक्रमित मरीजों को रेफर करने की बजाय उन्हें निसरपुर में ही सुविधा मिले, इसके चलते आज निसरपुर में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया। कुक्षी बड़वानी इंदौर रेफर करने से परिजनों को संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने और अस्पताल बेड के लिए भटकना ना पड़े, इसी को मद्देनजर निसरपुर में 50 बेड कोविड सेंटर बनने से क्षेत्र की जनता को अब तत्काल सुविधाएं मिल पाएंगी। यहां पर ऑक्सीजन, इंजेक्शन, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो कोविड मरीजों को देनी होती है। इसी के साथ प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उद्घाटन कर उपलब्ध कराया। साथ ही प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल और नगर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अंतिम पटेल के प्रयासों से संभव हुआ। नई एम्बुलेंस के लिए तत्काल लोगों ने जन सहयोग से 5 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए। इसमें सभी ग्रामीण और शासकीय और प्रशासन ने भी सहयोग किया, जिसमें पत्रकार संघ निसरपुर ने 11,000 रुपए एम्बुलेंस के लिए दिए। जन सहयोग से 6,70,000 की राशि तत्काल एकत्रित की। देखिए पूरी खबर MPTV मीडिया चैनल पर। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने क्या कुछ कहा। जनप्रतिनिधि भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से सुविधा यहीं पे हमारे पेशेंट्स को मिलेगी। और नागरिकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि शासन बारंबार केंद्र और राज्य कोविड के संबंध में सावधानी के संदेश देता आ रहा है साल भर से ज़्यादा से, तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि ऐसा अवसर ही क्यों आए कि आपको कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना पड़े। कृपया सभी मास्क का उपयोग करें, हम सब भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं, वैक्सीनेशन लगाएं, और अगर आपको ज़रा सा भी आभास हो, कहीं भी लक्षण लगें कोरोना के, तो आप टेस्टिंग कराएं। अब रैपिड टेस्टिंग भी हमारे पास है, RT-PCR भी हो रहा है और जल्दी परिणाम भी उसके आ जाते हैं। अगर जब तक टेस्ट ना आए, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट ना आए, तो अपने आप को होम क्वारंटीन आइसोलेट करें। मेडिकल किट्स प्रशासन भी दे रहा है, सेवा संगठन के माध्यम से हमारा संगठन भी दे रहा है, और ये सब इमीडिएटली अवेलेबल ना हो तो फिर हमारे देसी सालों पुराने नानी दादी के इलाज हैं, हल्दी, काढ़ा, आंवला, तुलसी, गिलोय और गर्म पानी से गरारे, ये तमाम चीज़ें आप तो नित्य क्रम में अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लें।